जय हिंद साथियों। साथियों, बचपन में हमने कछुए खरगोश की कहानी सुनी है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ आज तक वो कहानी कंप्लीट नहीं है। और आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी आपको मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। जैसा कि आप सब जानते हैं, कछुआ और खरगोश होते हैं, दोनों आपस में रेस लगाते हैं और खरगोश बहुत तेज भागता है, लेकिन आगे जाके ओवर कॉन्फिडेंस में आकर रास्ते में आराम करने लगता है और सो जाता है। कछुआ धीरे 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 चलता चलता आता है, खरगोश को पार करता है और रेस जीत जाता है। इसका मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कोई भी काम आप कितना धीरे कर रहे हो और सच्ची लगन से कर रहे हो तो आप एक दिन जीवन में रेस जरूर जीत जाओगे। अब आइए सुनाता हूँ पार्ट टू। पार्ट टू में खरगोश का हो जाता है दिमाग खराब, परेशान, हताश। खरगोश को दिन को चैन नहीं, रात को नींद नहीं। परेशान खरगोश फिर कछुए के पास जाता है और कहता है चल कछुए दोबारा रेस लगाते हैं। कछुआ तैयार हो जाता है, दोनों दोबारा रेस लगाते हैं। रेस वाले दिन खरगोश जी जान से भागता है, रास्ते में रुकता नहीं है, सोता नहीं और रेस को जीत जाता है। इसका मतलब अपनी गलतियों को ध्यान में रखो, उन्हें रिपीट ना करो। अब आई पार्ट थ्री। अब कछुआ परेशान, कछुए को बदला लेना है। कछुआ को सोच के फिर जाता है खरगोश के पास, कहते चल खरगोश दोबारा रेस लगाते हैं। खरगोश तैयार हो जाते हैं। इस बार दोनों रेस लगाते हैं। जमीन के जैसी जमीन होती है, खरगोश जमीन पे बहुत तेज भागता है, लेकिन आगे उसको झुकना पड़ जाता है क्योंकि आगे नदी होती है। और कछुआ धीरे धीरे चलता चलता आता है, नदी में तैरता है और नदी पार करके रेस जीत जाता है। इसका मतलब कोई भी कंपटीशन हो, उसकी स्ट्रेटजी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाओ तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे, आप हमेशा जीतोगे। अब सुनाता पार्ट फोर। अब कछुआ और खरगोश दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, दोनों मोटिवेट हो जाते हैं, दोनों फ्रेंडली मैच रखते हैं, जो जमीन पे भी होता है, पानी पे भी। जमीन के ऊपर खरगोश के ऊपर कछुआ और पानी में नदी के अंदर कछुए के ऊपर खरगोश कम टाइम में रास्ता पार और दोनों ही रेस जीत जाते हैं। इसका मतलब जो आपकी कमजोरी है तो दोस्त ऐसे चुनो जो वो आपकी कमजोरी आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। जो आपकी जो कमजोरी है वो आपके दोस्त की स्ट्रेंथ हो तो जीवन की सभी मुश्किल आसान हो जाएगी। आप मोटिवेट भी रहोगे, जीवन जीतते भी रहोगे और हमेशा लाइफ में कामयाब रहोगे। तो साथियों, मेरा कैसी लगी कहानी और इसको आप, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद।